रहते यहाँ है और पढ़ाएंगे लंदन में, बोलो वृंदावन बिहार, छोटे छोटे बच्चों को। और जानते हैं क्या कहते हैं, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या। और हम कहते हैं पढ़ेगा तो नौकरी करेगा, नहीं पढ़ेगा तो राज करेगा। पढ़ेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा जब पढ़ेगा, नौकरी करेगा। और नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, राज करेगा। अरे जो बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी ना राबड़ी देवी, उसने कभी भी स्कूल का दर्शन नहीं किया, स्कूल गई ही नहीं। और 14 संतान हुए हैं उसमें, 8-10 बचे हैं, 8-10 तो भगवान को प्यारे हो गए। वो जानती नहीं है कि भैंसों की सेवा तो कर लेगी प्रेम से, पर स्कूल की सेवा वो। और जानते हो तुम्हारे बच्चों को जो बहुत पढ़ाते हो ना, ये जाकर के सलामी उसकी दापते, जितने ऑफिसर हैं सब उसकी सलामी दापते। हमें अपने विश्वास नहीं, नहीं पढ़ेगा नहीं तो करेगा। अरे तुम क्या कराओगे, बिना पढ़े वाले फैक्ट्री खोले हुए हैं, तुम क्या कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो और क्या करो। अरे उस तो विश्वास करो उस पर, ऊपर वाले पर, पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ, माता पिता यथा शत्रु जैन बालों ने पाठिता, माता पिता शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। पर इतने लंबे ख्वाबे मत देखो, विदेश चले जाए, विदेश चले जाए बड़ा अच्छा लगता है, और फिर बुढ़ापे पर कोई पानी देने वाला नहीं होता है। बेटा भी सोचता है कि मर जाए तब जाऊं, क्योंकि पहले चला जाऊंगा तो ज्यादा रुकना पड़ेगा, 10 दिन पहले पानी देना पड़ेगा, फिर मरे के नहीं बाद 10 दिन रहना पड़ेगा, और इतने दिन की छुट्टी है नहीं। तो बीमार है तो चलो डॉक्टर वॉक्टर कर दो भैया, 2 आदमी लगा दो, उनकी सेवा करते रहेंगे, वहां पैसा बेहतर रहेगा, जब सुनेगा मर गए तब आ जाएगा। सपने में मत जियो, बच्चों को पढ़ाओ पर इतना लंबा मत सोचो। पढ़ेगा तो नौकरी करेगा, नहीं पढ़ेगा तो राज करेगा, बोलो वृंदावन बिहार। पढ़ाना चाहिए पर सपने बहुत मत देखो, कर्म करना हमारा काम है और उसके फल क्या मिलेगा ये हमारा काम नहीं। सुबह से भेज दी स्कूल में, फिर लौट कर आया तो उसका लाओ क्या पढ़ाया, फिर अपने पढ़ाना शुरू कर देगी, फिर यहाँ ट्यूशन में जाओ, वहां ट्यूशन, रात में फिर काम। सुबह से शाम तक बोले भगवान बोले माँ उसको भी सुख नहीं है, दिन भर वो। और जब जवान हो जाता है तो आसुरी वृत्ति आ जाती है, फिर तो सोचता है मैं दुनिया को ही जीत लूंगा, वो संसद में कूद जाता है, बोलो वृंदावन बिहार, देख रहे हैं ना। फिर वो जब तक जवानी रहती है तब तक धरती में रहता ही नहीं है, और जब बुढ़ापा जाता है तो ना इंद्रियां काम करती है, ना आंख काम करता है, ना काम काम करता है, और कोई सुनने वाला भी नहीं होता। यदि हम कुछ बोल दें तो कहीं चुप रहो, ज्यादा बोलने लगे हो शांति रहो, और फिर ऐसे करके फिर मरकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया भगवान बोले कि किसी अवस्था में सुख नहीं मिलता है, जैसे आया था वैसे वो चले जाता है। कहते हैं कहते कहते सुनते सुनते जो माँ थी ना, वो उनका शरीर पूरा पिघल जाता है और जल के रूप में नदी बनकर के बहने लगती है। उस जल रूपी माँ को कपिल भगवान प्रणाम करते हैं और गंगा सागर में चले जाते हैं। कपिलोपी महायोगिन भगवान पुत्रश्राम मातरम सनुग्राय ज्ञातम दीति दिशम देव। जो इस कपिल भगवान के चरित्र को सुनता है, सुनने का प्रयास करता है, कहते हैं उसकी बुद्धि भगवान में हो जाती है और भगवान से उसका
प्रेम हो जाता है। बोलो कपिल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सज्जनों भागवत है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा। कहीं कहीं क्लिष्ट दिखाई देता है पर बड़ा सरल है, समझने की कोशिश किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है। इससे आत्मा को ताकत मिलती है, मन को ताकत मिलती है। आइए भगवान का ध्यान करें। Oh,